गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यस, टुडे वी लर्न यू एस ई यूज ओ एफ ओ आई एस ई ए एन डी एंड ए आर ई आर यूज ऑफ इज एंड आर. आज हम लोग क्या करेंगे क्लास में? यूज ऑफ इज एंड आर आज हम करेंगे. इज का यूज़ कैसे करते हैं और आर का यूज़ कैसे करते हैं, इस कब यूज़ करते हैं और आर कब यूज़ करते हैं, इन दोनों का मीन्स क्या होता है? है कोई भी चीज़, वस्तु, थिंग्स जो कि है, इनका मीन्स होता है. पर इस कब यूज़ होता है और आर कब यूज़ होता है मैं आपको समझाऊंगी. इस कब यूज़ होता है? जब क्या होता है? वन थिंग एक वस्तु, एक वस्तु समझ लो, एक चीज़ समझ लो, किसी भी के लिए एक वस्तु या एक चीज़ के लिए ही इसका यूज़ होता है. और आर का यूज़ कब होता है? एक से ज़्यादा, मोर देन, एक से ज़्यादा वाली वस्तुओं के लिए, एक से ज़्यादा यानी कि मैनी थिंग्स के लिए. ये वन थिंग के लिए और ये मैनी थिंग्स के लिए, एक से ज्यादा. इसका एक वस्तु के लिए, एक थिंग के लिए होता है और आर का एक से ज्यादा, जैसे दो तीन वो हो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? आर का. एक से ज़्यादा वाली वस्तु के लिए हम आर का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल की तरफ से देखो, टी एच आई एस दिस, ए जे यू जी जग, दिस ए जग, क्या है ये? जग है. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? लुक एट द पिक्चर, वन है या टू है? वन है. तो हम वन थिंग्स के लिए किसका यूज़ करेंगे? इसका या आर का? मैंने बताया था वन थिंग्स के लिए हम इसका यूज़ करेंगे और टू या मोर देन या मैनी जा एक से ज़्यादा होगी उसके लिए हम आर का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे वन है तो हम किसका यूज़ करेंगे? इज या आर का? यस, इसका यूज़ करेंगे. किसका? इसका. तो दिस आई एस इज ए जे यू जी जग, दिस इज ए जग, यह एक जग है. दिस इज ए जग, यह एक जग है, क्योंकि ये एक है तो हम लोग एक ही बोलेंगे इसको. तो दिस इज ए जग है. तो इज आएगा वन चीज के लिए, वन थिंग्स के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इज का. और मोर देन मैनी थिंग्स के लिए हम किसका यूज करेंगे? आर का. तो ये लुक एट द पिक्चर, वॉच कितनी है? टू. कितनी है? टू. एक से ज्यादा है तो देखो, टी एच ई द डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस वॉचेस बी एल यू ई ब्लू, द वॉचेस ब्लू. घड़ी कौन से कलर की है? ब्लू कलर की. तो हम कितनी है वॉच? वॉचेस टू है. तो हम किसका यूज़ करेंगे? इसका या आर का? यस, आर का. किसका यूज़ करेंगे? ए आर ई आर, द वॉचेस आर ब्लू. ये है वॉच कौन से कलर की है? वॉचेज ब्लू कलर की है. तो हम टू है तो हम लोग आर का यूज़ करेंगे और वन होगी तो हम लोग इज का यूज़ करेंगे. ये ध्यान रखना बच्चों, वन थिंग्स के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इज का. और वन से मैनी, मैनी थिंग्स होगी उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? वन के लिए हम इसका और मैनी थिंग्स के लिए हम आर का यूज़ करेंगे. ध्यान रखना बच्चों. बाकी अपनी ये एग्जाम्पल की तरफ से समझा दी आपको. अब आप अपनी बुक ओपन करेंगे, बुक में रीड करवाऊंगी आप लोगों को, मेरे साथ रीड आउट करना है. तो ओपन योर बुक पेज नंबर 41, ओपन योर बुक पेज नंबर 41, नंबर ओपन योर बुक पेज नंबर 41, ओपन योर बुक पेज नंबर 41. यस, यूज ऑफ इज, मैंने आपको समझा दिया था. इज मीन्स है. इज का यूज़ कब करते हैं हम लोग? जब वन थिंग्स यानी एक वस्तु या एक चीज़ हो उसके लिए हम लोग
इसका यूज़ करते हैं। तो ये देखो टी एच ई द डब्ल्यू आर डी वर्ड्स वर्ड आई एस इज यू एस ई डी यूज एफ ओ आर फोर ओ एन ई वन टी एच आई एन जी थिंग द वर्ड इज यूज फॉर वन वन थिंग। इसका यूज़ कब करते हैं? जब कोई वन चीज़ या वन थिंग्स हो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इसका। जैसे देखो कि ये बर्ड है, कितने हैं? वन है, एक है। तो देखो सेंटेंस का टी एच ई आई एस दिस आई एस इज ए बी आई आर डी बर्ड दिस इज ए बर्ड। तो ये एक इसमें किसका यूज़ किया है? तो ये वन है इसलिए इसमें किसका यूज़ किया हुआ है? इज का। नेक्स्ट सेंटेंस कैट, कैट वन है। टी एच ई द सी ए टी कैट आई एस इज एच ई आर ई हर द कैट इज हर। कैट क्या कर रही है? भाग रही है। तो क्या है? ये वन है इसमें इसलिए इसका यूज़ हुआ है इसका। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थ्री, काइट है, कितनी है? यस हाउ मेनी काइट्स? वन। तो क्या किसका यूज़ करेंगे इसका? तो इसमें देखो इसका यूज़ किया हुआ है टी एच ई द के आई टी ई काइट आई एस इज वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो द काइट इज येलो। काइट कौन से कलर की है? येलो। द काइट इज येलो। काइट कौन से कलर की है? येलो कलर की है। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर फोर, टी एच ई द पी ओ ए टी पोट आई एस इज आर ई डी रेड द पोट इज रेड। पोट है एक, वन पोट है, उसका क्या कलर है? रेड कलर है। तो इसमें किसका यूज़ किया? इसका। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर फाइव, टी एच ई द सी यू पी कप आई एस इज ई एम पी टी वाई इमिट। तो द कप इज एम्प्टी। कप क्या है? खाली है। यस, तो खाली वस्तु खाली होती है ना कोई भी चीज़, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी। क्या बोलते हैं? एम्प्टी। तो द कप इज एम्प्टी, कप क्या है? खाली है। तो इसमें वन है, अगर टू होते तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें आर यूज़ करते हैं। अभी आर वाले सेंटेंस के भी यूज सेंटेंस करवाऊंगी आप लोगों को, ये अभी इज वाले हैं। तो द कप इज एम्प्टी, तो वन है इसलिए इसका क्या आया? इज का यूज़ किया। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 यूज़ ऑफ आर, यूज़ ऑफ आर। ये आपको मैंने यूज़ चैप्टर 11 और 12 साथ में क्यों करवाए? जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इज़ और आर का यूज़ कैसे करते हैं। इसका किस लिए कब करते हैं यूज़? जब वन थिंग्स होती है। और आर का कब करते हैं हम लोग यूज़? एक से ज़्यादा या वन से मोर देन हो तब। तो देखो आर का यूज़ कर, टी एच ई द W O R D word A R E R I S is U S E D used W E N when T H E R E there A R E R M A N Y many T H I N G S things the word R is used when there are many things। आर का यूज़ कब करते हैं हम लोग? जब एक से ज़्यादा वाली वस्तु या चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? आर का। मैनी थिंग्स मीन्स एक से ज़्यादा। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें पिक्चर देखो, पहले लुक एट द पिक्चर। टू बॉयज़ है, वन बॉयज़ नहीं है, टू है। तो टी एच ई द बी ओ वाई एस बॉयज़ ए आर ई आर पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग द बॉयज़ आर प्लेइंग। बॉयज़ क्या कर रहे हैं? प्लेइंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टू बॉयज़ इसलिए आर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यस टू कैट्स है,
वेरी गुड. तो टी एच ई द, सी ए टी एस कैट्स, ए आर ई आर, एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग, द कैट्स आर सिटिंग. दोनों कैट क्या कर रही है, बैठी है. यस, तो द कैट आर सिटिंग. कैट क्या कर रही है, बैठी है. तो इसमें कितनी है कैट्स, टू है. तो इसमें किसकी यूज हुआ, आर का. नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थ्री. टी एच ई द, के आई टी ई एस काइट्स, ए आर ई आर, बी एल यू ई ब्लू, द काइट्स आर ब्लू. काइट्स कितनी, वन टू थ्री फोर है. मोर देन हो गई वन से, यस. तो वन से मोर देन है तो क्या आएगा इसमें, आर. नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर फोर. टी एच ई द, पी ओ टी एस पोर्ट्स, ए आर ई आर, बी आई जी बिग, द पोर्ट्स आर बिग. पोर्ट क्या है, बिग है. और कितने, वन टू थ्री फोर. हाउ मेनी पोर्ट्स, फोर. ये क्या है, सब बिग यानी बड़े हैं. तो ये वन से ज़्यादा हो गए, मोर देन हो गए, यस. तो क्या होगा, आर का यूज़ होगा. नेक्स्ट है अपना नंबर फाइव. टी एच ई द, बी ए डबल एल एस बॉल्स, ए आर ई आर, बी एल यू ई ब्लू, द बॉल्स आर ब्लू. यहाँ आर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि बॉल्स कितनी है, वन टू थ्री, थ्री बॉल्स है. वन से ज़्यादा है तो हम आर का यूज़ करेंगे. ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी आर यूज़ होगा तो मीनिंग्स के आगे क्या होगा, जैसे बॉय है तो बॉयज़ टू है, तो टू की जगह बी ओ आई एस बॉयज़ ऐसा आ गया. हम ऐसे नहीं लिखेंगे टू बॉयज़, थ्री बॉल, ऐसे नहीं राइट डाउन करेंगे, तब आर लिखेंगे. नो, बॉयज़ बॉय, बी ओ वाई बॉय, बॉय मीन्स लड़का होता है, और बॉय के आगे एस लगते क्या हो गया, बॉयज़, एक से ज़्यादा. तो यहाँ कैट भी है तो सी ए टी एस कैट्स, टू है तो एस आ गया, वन होती तो कैट. नेक्स्ट है काइट, काइट्स तो एस क्यों लगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है. पोर्ट्स है तो एक से ज़्यादा है तो एस आया, ये ध्यान रखना. और नेक्स्ट पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करेंगे. ओके, थैंक यू.